स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। विद्युत धारा जो हमारा चैप्टर है उसमें हम आज अध्ययन करेंगे, जो हमारे चैप्टर के आंकिक प्रश्न उनका हम अध्ययन करेंगे। एग्जांपल्स है वो आप कर सकते हो, या फिर जो भी आपका एग्जांपल में डाउट है वो आप वहां पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम करेंगे आंकिक प्रश्न। तो जो आंकिक प्रश्न करूंगा तो मैं आपको जो बुक है वो अपने पास में रखनी है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन है वो नहीं लिखूंगा, मैं सीधा यहाँ पर आपको आंसर है वो करवाऊंगा। तो चलो आज पहला है वो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला जो आपका आंकी प्रश्न है वो आंकी प्रश्न क्या है, देखो आपको दे रखा है कि एक बेलनाकार धातु या फिर तांबे की छड़ की लंबाई, मतलब एक बेलनाकार जो आपकी तांबा है, बेलनाकार तार है तांबे का, उसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है। तो ये मान लो इस प्रकार से एक तांबे का तार है, इसकी लंबाई हमारे को दे रखी है कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। आगे देखो क्या है कि लंबाई 1 सेंटीमीटर है एवं त्रिज्या, या चूंकि ये तार के साथ आपका बेलनाकार तार है तो इसकी त्रिज्या भी होगी, और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी है, त्रिज्या दे रखी है आपके 2 mm, ठीक है, 2 मिलीमीटर दे रखी है। छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर, मतलब इसके सिरों के मध्य कितना विभवांतर है, 120 वोल्ट, मतलब V का मान कितना है, 120 वोल्ट है। करने पर छड़ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तांबे की प्रतिरोधकता भी आपको दे रखी है, प्रतिरोधकता मतलब रो, रो का मान दे रखा है 1.7 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर दे रखा है। और आपको ज्ञात क्या करनी है कि जब यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर विभवांतर लगाएंगे तो विभवांतर उत्पन्न होने पर यहाँ पर कितनी मात्रा में धारा उत्पन्न होगी, कहने का मतलब यहाँ पर मान लो 0 वोल्ट था और यहाँ पर कितना हो गया 120 वोल्ट है। अब चूंकि हमें पता है, हमने पढ़ रखा है कि जब भी क्या होता है धारा का प्रवाह कब होता है, जब विभव में क्या होता है अंतर होता है, ठीक है, विभव में अंतर होगा तो उसी वजह से वहां पर क्या होगी धारा बहेगी। तो यहाँ पर विभव में अंतर हो गया कितना है 120 वोल्ट है, तो यहाँ पर हमारे को इसमें देखनी है कि धारा कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में देखो V है, रो है, तो इसका मतलब हमारे को धारा चाहिए। धारा को हम कैसे निकालते हैं, धारा को हम निकालते हैं I बराबर Q/T से निकालते हैं, ऐसा भी निकालते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं V बराबर IR जो V के रूप में है। तो यहाँ पर हमारे को पास में V है लेकिन R नहीं है, तो R को भी हम निकाल सकते हैं। R को कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास में रो है तो हम R को ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो L अपॉन A, होता है नहीं होता है, होता है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम किसका निकाल लें, किसको निकाल लेंगे, आर को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, रो का मान रखते हो, रो का मान कितना 1.7 × 10⁻⁸ इंटू लंबाई, लंबाई कितनी 1 सेंटीमीटर। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर है और ये सारे ऐसा ही मात्र के वोल्ट और ओम इंटू मीटर है, इसका मतलब हमारे को जो मात्र रखने हैं वो सारे ऐसा में रखने हैं, तो सेंटीमीटर मात्र नहीं होता, ये मीटर होता है मात्र। तो कैसे करोगे, सेंटीमीटर कैसे बदलोगे मीटर में, हमें पता है कि जो आपका 1 मीटर होता है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, होते कि नहीं होते। तो हमारे को चाहिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो आप इसको 100 के नीचे भेज दो, यहाँ पर 1 मीटर बट्टा क्या हो जाएगा, 100 बराबर किसके हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के, हो गया ना बराबर। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1/100 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/100 करोगे 100 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ए क्या है आपका, क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का जो क्षेत्रफल क्या होगा, अगर त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल ये होता है ना, तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर रख दो। जब पाई r स्क्वायर करोगे, पाई का मान कितना रख दो 3.14 या 22/7 जो भी आपकी मर्जी, r स्क्वायर मतलब r का मान, r क्या है 2 mm, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे कितना आएगा 10⁻³ मिली आता है, तो उसके लिए क्या आता है 10⁻³ आता है, 2 × 10⁻³ आता है। और इसका क्या कर दो आप, यहाँ पर रखोगे इसका स्क्वायर कर दो 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर आर का मान। अब अगर आर का मान अगर आपका आ गया तो आप किसका मान निकाल सकते हो, आई का मान है वो आप निकाल सकते हो। तो आई का मान कैसे निकालोगे, यहाँ पर आई का मान बिल्कुल आसान है, बराबर क्या होता है आई आर होता है, और यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। I बराबर V का मान कितना है 120 है, और R का मान आप यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, R का मान है वो आ जाएगा, और यहाँ से आपका इसका मान आ जाएगा, I का मान है वो आ जाएगा, ठीक है। तरीका आपको समझना है यहाँ पर कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है, वो समझना है, क्योंकि हम यहाँ पर अभी ये जितने भी है इनकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो पहला जो क्वेश्चन है वो। अब हम अगला जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपकी बुक के अंदर, आप फटाफट से चेक करो क्या है, और तब तक मैं देखता हूं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है,
दूसरा क्वेश्चन में आपको मतलब आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध। जैसे इसमें कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है, चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आपको एक परिपथ दे रखा है, परिपथ भी बहुत कठिन लग रहा है, तो कठिन होगा तो इसको सरल करेंगे। आपको ए वे बी दे रखा है, ये ए रहा और इस ये बी रहा। अब आपको ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है? ये है 3 ओम का, ठीक है? इतना ही दे देते तो हम सीधा लिख देते ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है 3 ओम है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी हुआ है, क्या हुआ? देखो यहाँ पर इस प्रकार से एक प्रतिरोध और लगा है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से एक प्रतिरोध और लगा है, इसको इस प्रकार से मिला दिया। ये कितने ओम का दरका है? ये 3 ओम का दरका है, ये 6 ओम का दरका है। फिर से यहाँ पर एक और इसी प्रकार का लगा रखा है और फिर से यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है? ये कितने ओम का? 3 ओम का। ये फिर से 6 ओम का। यहाँ पर एक और फिर से इसी प्रकार का डायग्राम और बना दिया, ये भी कितने ओम का है? 3 ओम का। ये भी कितना है? 6 ओम का। ये तो 6 ओम आ रहा है, ठीक है? फिर से यहाँ पर इस प्रकार से एक यहाँ पर प्रतिरोध लगा रखा है और फिर यहाँ पर इस प्रकार से एक प्रतिरोध लगा रखा है, ठीक है? ये कितने ओम का है? ये 3 ओम का, ये 3 ओम का। ये सारे हमारे हो गए कितने? 6 ओम के कितने हैं? 3 है, 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 5 6, चलो ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है? अब हमारे को क्या करना है? ए व बी के मध्य क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है, वो श्रेणी क्रम संयोजन में हम सीधे प्रतिरोधों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और जब भी समांतर क्रम संयोजन होता है तो हम क्या करते हैं? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करते हैं, ठीक है? वो आपको ध्यान रखना। और श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है वो कब होता है? जब एक ही तार के अंदर सारे प्रतिरोध लगे हो, तभी वहां पर क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है। अब यहाँ पर देखो आपको ए व बी के मध्य क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। जो आपको सबसे पहले सिंपल दिखे उसको आप शुरू करो, ठीक है? तो सबसे पहले सिंपल कौन सा दिखेगा? ये देखो, ये कोई सिंपल नहीं है यहाँ पर। तो ये देखो इस साइड वाला दिख रहा है आपको सबसे पहले, कि यहाँ पर देखो ये एक ही तार है, ये यहाँ से ए से तार निकला, यहाँ पर कोई भी देखो डॉट नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कोई सी पॉइंट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक ही पूरा तार है, तो एक ही तार के अंदर है वो प्रतिरोध अगर लगे हो तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं? सीधा उनको जोड़ सकते हैं। तो ये कितने ओम का है? ये आपका है 3 और 3। ये क्या है आपके? 3 3 ओम के हैं, 2 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में लगे हैं। और श्रेणी क्रम में हम क्या कर सकते हैं? सीधे ही जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? इसको हटा के यहाँ पर क्या लगा दूंगा? एक है 3 मतलब 6 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा दूंगा। अब प्रतिरोध कैसे लगाऊंगा? तार तो वही रखना ना, तो ये इस प्रकार से मैंने थोड़े से तरीके से लगा दी। कितने ओम का? 6 ओम का। आप यहाँ पर अलग अलग मतलब जो जैसे आपने 6 ओम किया तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो अलग अलग परिपथ को नाम दे दो। ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है? तो पहले परिपथ में ऐसे लिख दो, पहले परिपथ में, पहले परिपथ में आप क्या लगा दो कि जो आपके 2 प्रतिरोध है 3 ओम, वे 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ठीक है? किसमें? श्रेणी क्रम में। तो मैं एक बार बता रहा हूँ बस आपको लिखने का तरीका, फिर बार बार हम नहीं लिखेंगे। श्रेणी क्रम में है, ठीक है? तो श्रेणी क्रम में तो आप क्या कर दोगे? तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर आ जाएगा? R1 + R2 के। तो कहने का मतलब R बराबर आ जाएगा आपका किसका? 3 + 3 मतलब कितना आ गया? 6 ओम का। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने 6 ओम लिख दिया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? तो अब यहाँ पर इसी पहले परिपथ के अंदर भी आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो 6 ओम और ये 6 ओम, ये देखो आपस में एक दूसरे से किसमें आपको कि आपस में ये जो 6 ओम और 6 ओम किसमें आपको समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तो ये समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में हम कैसे जुड़ेंगे? 1/6 + 1/6 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है? ये आपका तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर मान लेते हैं, कुछ भी R' मान लिया, जो भी R मान लिया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? लेस आ जाएगा 6, ठीक है? कितना आएगा? लेस 6 आएगा। कितना हो जाएगा? 1 + 1 और 1/R', तो यहाँ पर 1/R' बराबर कितना आ जाएगा? 2/6, 2/6 मतलब 1/3, उसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? R' बराबर आ जाएगा 3। तो कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं? इन पूरे को, इन दोनों को हटा कर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक क्या कर सकते हैं? एक नया प्रतिरोध लगा सकते हैं जिसका प्रतिरोध कितना हो? 3 ओम, ठीक है? अब यहाँ पर वापस देखोगे कि ये जो आपका 3 ओम और 3 ओम वापस किसमें आ गया? आपका 3 ओम 3 ओम किसमें आ गया? श्रेणी क्रम में आ गया। तो इसको टाकर वापस से आप क्या कर सकते हो? 3 3 सीधा जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका? 6 ओम। तो यहाँ पर सीधा जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है? अब वापस ये देखोगे कि ये 6 ओम, ये 6 ओम किसमें? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में आप क्या कर सकते हो? सीधा जोड़ सकते हो। ये 6 ओम 6 ओम कितना हो गया आपका? 6 और 6 इसके जाएगा, तो मतलब इन इसको हटाकर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर एक नया प्रतिरोध जोड़ सकते हो, कितना होगा? 3 ओम। अब यहाँ पर देखो वापस से कि यहाँ पर देखो ये जो तार है इस प्रकार से कुछ है, ये यहाँ पर एक ही तार है, ये वाला जो तार है यहाँ से यहाँ तक है ना, वो एक ही तार है। तो
पहले तो आपको वही देखना है कि अगर आपका तार एक है ना, उसमें आपके जो प्रतिरोध है वो कैसे सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक तार प्रतिरोध एक एक तार होगा, उसमें प्रतिरोध जुड़े होंगे, तो आप वहां पर आसानी से वो क्या कर सकते हो, बस श्रेणी क्रम में लगाओ, जोड़ दो सीधा आसानी से और आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया, तीन ओम किसमें, श्रेणी क्रम में, इन सबको दोनों को हटा कर हम क्या कर सकते हैं, एक नया प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कितने ओम का, यहाँ पर जोड़ सकते हैं हम 6 ओम का जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ए व बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है वो एक तो यहाँ पर 6 ओम और 3 ओम, यहाँ पर ये एक दूसरे क्या समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर आएगा, 1/8 तुल्य, वो किसके बराबर आएगा, 1/6 + 1/3। तो यहाँ से 1/8 तुल्य इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर कितने बार जाएगा, ये जाएगा 1/1 + कितना, 2, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 3/6। तो यहाँ पर r इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया, ये कितना हो गया, 1/2 हो गया था ना, तो यहाँ पर उल्टा करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब r इक्विवेलेंट या तुल्य प्रतिरोध आपका कितना आया, 2 में आया ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी कैसा भी जटिल परिपथ हो, आप वहां पर आसानी से वो क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो निकाल सकते हो, ठीक है। बस सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे सिंपल कौन सा दिख रहा है आपको, मतलब एक ही तार वाला, कहीं पर एक ही तार है और उसमें प्रतिरोध जुड़े, तो आपको बस उसको सोल्व करना है, ठीक है। और समांतर क्रम कैसे पता चलेगा कि एक बिंदु उससे अगर दो तार निकल रहे हैं, इसका मतलब वो आपका क्या समांतर क्रम है। तो ऐसे जटिल आपको देख रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन वहां पर नहीं होना है, घबराना नहीं है, तरीके से अगर आप करोगे तो आपका आसानी से वहां पर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि अगर मान लो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमारे को क्या, तार को तो हम कैसे भी इधर उधर कर सकते हैं, इस तार को, ये एक ही तार है तो इसको हम कैसे भी घुमाएं, तार एक ही रहना चाहिए। अब कुछ कुछ कैसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमारे को ये पॉइंट है, इसको भी हमारे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर अभी ये, तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर कर दूं, ठीक है, तब ये यहाँ पर इस प्रकार से हो गया, और इस पॉइंट को यहाँ पर उठा के यहाँ पर कर दिया। अब जब यहाँ पर ये पॉइंट था ना, तब इसमें से कितने तार निकल रहे थे, इस पॉइंट से 2 तार, तो यहाँ पर पॉइंट लगाया तो उसमें से भी कितने तार निकलने चाहिए, 2 ही तार निकलने चाहिए, तो एक ये तार ऊपर रहा, एक ये तार नीचे रहा, तो 2 ही तार निकल रहे ना, इसका मतलब जो हमने पॉइंट लगाया वो क्या हमारा सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक ऊपर तार, यहाँ पर भी एक नीचे तार, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर 2 तार निकल रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब जो हमने परिपथ बनाया वो हमारा सही है। तो इस प्रकार से ये जो ऐसे मतलब होते हैं कि जो पॉइंट आपको चेंज करने पड़े, वो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन प्राप्त होते हैं जिनमें हमारे को ऐसा करना पड़ता है, तो इसको तो आप क्या कर लोगे, आसानी से सोल्व कर लिया। तो ऐसे आपको बहुत सारे और भी है वो मतलब अलग अलग प्रकार के, आप खुद से भी वो मतलब जटिल जो परिपथ बनाओ और उन जटिल परिपथों को आप क्या करो वहां पर सोल्व करो, और फिर वहां पर चेक करो कि क्या आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर आपकी जो भी मतलब बुक्स वगैरह उसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे जटिल परिपथ दे रखे हैं जिनको आप सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने वहां पर आ रहे हैं, और जो बाकी के जो अध्ययन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।